महागठबंधन के नेता इस भ्रम में न पड़े, एनडीए गठबंधन में जीतनराम मांझी जी को हमारे सम्मानित नेता थे, हैं और रहेंगे। कौन कब मंत्री बनेगा, कितने कोटे से बनेगा, मुझे लगता है कि इसमें कहीं संशय नहीं बना हुआ है। ये महागठबंधन के लोग अपने हताश और निराश हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय श्री खड़गे जी, या तो अपने सांसद को हेतु के बयान देने के लिए उनसे माफी मंगवाए, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अगर भारत और देश और राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण भाव कहीं दिखता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। यही कांग्रेस के लोगों ने, यही उनके पूर्वजों ने देश को तोड़ा है, अलग एक पाकिस्तान बनाया है। यह फिर तोड़ने की विरोधी ताकत और शक्तियां जिस तरह से काम कर रही है उसका अगुवाई राहुल गांधी स्वयं कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। कल बिहार के जो दो डिप्टी सीएम हैं वो आलाकमान से दिल्ली मुलाकात करने गए हैं, तो वहीं कांग्रेस के तमाम विधायक मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने दिल्ली गए हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने के बाद एनडीए में जिस प्रकार से सरकार बनी है, एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो चेहरा है मुख्यमंत्री रूप में, वहीं विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री के रूप में है। तो पहली बार महागठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस के आलाकमान से बात करने के लिए कांग्रेस के तमाम विधायक गए हुए हैं। मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार होना अभी बाकी है, लेकिन इसी बीच जो है जीतनराम मांझी, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि अगर हमें एक मंत्रिमंडल नहीं मिलता है तो हमारे साथ यह अन्याय होगा। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जनक राम जी हैं, जो कि MLC भी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। ऐसे जिस प्रकार से मांझी जी बोल रहे हैं कि हमें एक और सीट मिलनी चाहिए, नहीं तो हमारे साथ अन्याय होगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने जो सवाल किया है एनडीए के ये अंदर खाने की बात है, और जहां तक आपने कांग्रेस को भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ने के अभियान पर चले हैं, ये सिद्ध हो चुका है कि भारत जोड़ो अभियान इनका नहीं है, भारत तोड़ो अभियान पे। जैसा आपने देखा होगा कि बीते दिन कांग्रेस का वरीय नेता दक्षिणी भारत के जो DK सागर जी ने एक बयान दिया है, वह बयान बहुत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। उस बयान पे अब तक न सोनिया गांधी जी का ट्वीट आया, न प्रियंका गांधी जी का ट्वीट आया, और मुझे लगता है कि इस पर त्वरित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय श्री खड़गे जी, या तो अपने सांसद को हेतु के बयान देने के लिए उनसे माफी मंगवाए, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अगर भारत और देश और राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण भाव कहीं दिखता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा देश के लोगों ने यह समझ चुका है कि कांग्रेस को राष्ट्र और देश से कोई मतलब नहीं है, परिवारवाद और वंशवाद से उनका मतलब है। राष्ट्र को तोड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकल चुके हैं। मुझे लगता है कि देशवासी आने वाले दिनों में इसका सबक सिखाएं। DK सुरेश कुमार जिस तरह से वो बयान दिए हैं कि मतलब उसका कहना है कि जो भी कर एकत्रित होता है, जमा होता है, उसका जो वितरण होता है दक्षिण भारत के राज्यों को जो है वो सही तरीके से नहीं मिलता है। उनके साथ अगर इस तरह का अन्याय होगा तो जो है विशेष मतलब राज्य उधर के जो है उनको एक अलग देश की मांग करेंगे। तो क्या लगता है, बताया वही बात तो कह रहा हूँ, कर उसको जो कर के भारत सरकार के पास GST के माध्यम से जो कर आता है, मुझे लगता है कि पहली बार देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश शासन चल रहा है, सर्वाधिक कर का जो सहयोग स्टेट को मिलता है, मुझे लगता है कि उस पर किसी भ्रम में किसी मुख्यमंत्री को नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि उनके बयान जो है कि बेतुका बयान है, कहीं ना कहीं देश तोड़ने वाली बयान है। आपने भी कहा, स्पष्ट उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो अलग एक देश बनाने के लिए उन्होंने मांग किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मांग है, और ये देश देखा है आजाद भारत में जिस तरह से संभावनाएं व्यक्त परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर GR अम्बेडकर साहब ने किया था। यही कांग्रेस के लोगों ने, यही उनके पूर्वजों ने देश को तोड़ा है, अलग एक पाकिस्तान बनाया है। यह फिर तोड़ने की विरोधी ताकत और शक्तियां जिस तरह से काम कर रही है उसका अगुवाई राहुल गांधी स्वयं कर रहे हैं। तो देश पूछना चाहता है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, मैं केंद्रीय जो सोनिया गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है, उनसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर ऐसे बेतुके बयान देने वाले सांसद के ऊपर आपने कब कार्रवाई करेंगे? अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो जनता से देश के सामने आकर के आपको माफी मांगना चाहिए।
12 फरवरी को जो है बहुमत साबित करना है। जीतनराम मांझी कल भी बोले हैं कि मतलब दो मंत्रिमंडल पे बात हुई थी, अमित शाह जी से हुई थी, इंदिरा राय जी से भी हुई थी, लेकिन हमें एक ही दिया गया है, उनका है। और ये महागठबंधन पे वो बोले हैं कि उन्हें से सीएम पद का ऑफर मिला था। और फिर कल जो है अखिलेश प्रसाद सिंह वो बोले हैं कि अभी भी हम बोले अगर हमारे तरफ आए तो हम अभी भी इसको सीएम बना दें। क्या बोले कि लोग दे रहे क्या? महागठबंधन के नेता इस भ्रम में न पड़े, एनडीए गठबंधन में जीतनराम मांझी जी को हमारे सम्मानित नेता थे, हैं और रहेंगे। परिवार का अगुआ का काम है कि अपने परिवार की चिंता करना, और मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन में जितने हमारे सम्मानित नेता हैं कहीं किसी भ्रम में कोई नहीं है। हमारा देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व बैठते हैं और एनडीए का सीट शेयरिंग होता है, कौन कब मंत्री बनेगा, कितने कोटे से बनेगा। मुझे लगता है कि इसमें कहीं संशय नहीं बना हुआ है। ये महागठबंधन के लोग अपने हताश और निराश हैं, उन लोगों ने ये देखा है, और बिहार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। परिवारवाद को, वंशवाद से, अब राज को जिस तरह से बेपटरी इन लोगों ने किया था, महागठबंधन के नेताओं ने, अब यही हताशा और निराशा का ये सामने झलक रहा है। कहीं एनडीए गठबंधन के नेताओं में इस तरह की कहीं भ्रम की स्थिति नहीं है। तो ये हमारे साथ बात करते जनक राम जी का साफ तौर पे कहना है कि जीतनराम मांझी जो है वो हमारे पहले भी आदरणीय नेता रहे हैं, अभी भी आदरणीय नेता रहे हैं और आगे भी रहेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है सबके साथ न्याय होगा। और उन्होंने कांग्रेस पे हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस जो है डीके सुरेश जो इस तरह के वैध बयान दिए हैं उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता को दिखाती है कि वो राष्ट्रद्रोह का काम लोग कर रहे हैं। लाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट में सकता है। इस पर इतना ही, आगे खड़े होते रहे लाइव प्यार। धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।